हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ घर बैठे बैठे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट क्यों ऑनलाइन काम करके। आपको सिर्फ 3 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप है पेपाल में अकाउंट खुलवाना। दूसरा स्टेप है नीचे जो जितनी भी वेबसाइट्स दी गई है, यहाँ आप देख सकते हो ये ओजू है, क्लिक सेंस है, बक्सपी है, गोल्डन क्लिक्स है, ये जितनी भी वेबसाइट्स है आपको सारी वेबसाइट्स पे बारी बारी क्लिक करके सारी वेबसाइट्स पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है जो टोटली फ्री है। आपको ये सारी वेबसाइट्स पे करना है फ्री में। और तीसरा स्टेप है हर एक वेबसाइट के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, उस एडवर्टाइजमेंट को आपको क्लिक करना है और उसको देखना है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट अंदर दी गई है आपको बारी बारी क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप सारी एडवर्टाइजमेंट देखनी है और इसका आपको पैसा मिलता है। तो ये तीसरा और फाइनल स्टेप ये है कि आपको सारी एडवर्टीजमेंट डेली देखनी है। रोज आपको इसके अंदर लॉगिन करके सारी वेबसाइट्स के अंदर आपको लॉगिन करके सारी वेबसाइट्स में आपको एडवर्टीजमेंट देखनी है और इससे आप डेली के एवरेज $50 से $100 3 से 4 घंटे के अंदर कमा सकते हो। इसलिए इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा शुरू में। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि आपको कैसे काम करना है। सबसे पहले है स्टेप 1, पेपाल में अकाउंट खुलवाना। आपको www.paypal.com पे जाना है, www.paypal.com पे आपको लॉग ऑन करना है। पेपाल एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। जो भी आप पैसा कमाओगे वो सारा पैसा इस पेपाल अकाउंट में आने वाला है और पेपाल अकाउंट से सीधा आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है। मतलब ये पेपाल अकाउंट खोल के आपको अपना बैंक अकाउंट इस अकाउंट के साथ लिंक करना है जिससे वो सारा पैसा पेपाल के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। इसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा पेपाल के अंदर। कॉर्नर में जो दिया गया है पेपाल साइन अप का सिंबल, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 अकाउंट दिखेंगे, एक तो है इंडिविजुअल्स एंड अकाउंट फॉर इंडिविजुअल, दिख रहा है आपको एन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स, और दूसरा है एन अकाउंट फॉर बिजनेसेस। मतलब अगर आपका करंट अकाउंट है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप इसके अंदर बिजनेस अकाउंट भी खुला सकते हो। अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो और आपको घर बैठे काम करना है तो आपको इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना है। कंट्री इंडिया सिलेक्ट की हुई है, आप इंडिविजुअल के अंदर स्टार्ट करो। गेट स्टार्टेड पे इंडिविजुअल पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपको सारी जितनी भी फील्ड्स दी गई है वो हर एक फील्ड्स को आपको भरना है। आपका जो भी रेगुलर ईमेल आईडी हो वो ईमेल आईडी इसमें डालना है आपको। जैसे इसमें मैंने फॉर डेमोस्ट्रेशन के लिए अभी मैंने एक ईमेल आईडी डाला है। आपको फिर उसके बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप जो भी चूज करो
उसके अंदर अपर केस मतलब एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए मिनिमम, जैसे अपना नाम चूज कर लो। पासवर्ड अभी मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, जीतेश123 डाल रहा हूँ, जीतेश@123 डाल रहा हूँ। तो जीतेश के अंदर मैं जे है जो जे, उसको कैपिटल रख रहा हूँ, JITESH@123। तो मैंने ये पासवर्ड रखा है JITESH@123, जिसके अंदर जे कैपिटल है। वापस ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली यही पासवर्ड नहीं रखना है आपको, अपना जो भी मनपसंद आप पासवर्ड रख सकते हो। आपको पासवर्ड एंटर करना है, फिर आपका नाम एंटर करना है। पैन कार्ड के अंदर जो आपका नाम है वही आपको एग्जैक्टली इसके अंदर ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नाम डाला है जितेंद्र एलसा। आपको अपने पैन कार्ड के हिसाब से यहाँ पे नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। मिडल नेम ऑप्शनल है, जो आपको डालना हो तो डालो, नहीं डालना हो तो मत डालो, ये ऑप्शनल है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, आपकी जो भी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हो आपको वही यहाँ पे एंटर करनी है। नेशनलिटी इंडियन, आपका एड्रेस जो भी हो वो आपको यहाँ पे एड्रेस आपको एंटर करना है। आपका सिटी जो भी हो वो आपको एंटर करनी है। स्टेट स्टेट आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आपका एड्रेस, टाउन मतलब सिटी आपको एंटर करना है, स्टेट एंटर करना है। आपका पिन कोड जो भी आता है वो आपको एंटर करो वहाँ पे। आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो आप यहाँ पे एंटर करो। यहाँ पे आपको अनचेक करना है, ये अपने को अभी कुछ भी डालना नहीं है, कोई भी चीज़। सीधा आप एग्री एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करो। एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा, नीचे जो कोड दिख रहा है वही सेम आपको इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर टाइप करना है। JITESH जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वही कोड आपको इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर लिखना है। अगर आपको ये कोड नहीं दिख रहा हो प्रॉपरली तो आप इस इमेज को रिफ्रेश कर सकते हो यहाँ से, तो ये कोड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और फिर वही कोड आपको ऊपर बॉक्स में डालना है। कोड एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है इस पेज में आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है। आपको नीचे जो दिख रहा है लिंक गो टू माय अकाउंट, वहां पे क्लिक करना है सीधा। यहाँ पे कोई आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी डालना नहीं है, क्योंकि हमें कहीं पे पेमेंट करना नहीं है, हमें सिर्फ पेमेंट रिसीव करना है। अगर आपको कहीं पे पेमेंट करना हो तो ये फील्ड भरनी आपके लिए ज़रूरी होगी। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर और उसका जो भी डिटेल यहाँ पे मांगा है वो आपको भरना पड़ेगा, अगर आपको कहीं पे पेमेंट भेजना हो आउट ऑफ इंडिया, किसी भी कंट्री में, किसी के भी अकाउंट में। अपने को सिर्फ
पेमेंट रिसीव करना है, इसलिए ये फील्ड की कोई ज़रूरत अपने को यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी अपने को क्लिक करना है गो टू माय अकाउंट पे। यू हैव सक्सेसफुली साइन अप। अब यहाँ पे चार स्टेप दिए गए हैं, ये चारों स्टेप आपको कंप्लीटली कंपलसरी पूरे करने हैं। जो चार टास्क यहाँ पे आपको दिखे गए, यहाँ पे आप देख रहे हो कंप्लीट योर टास्क, आप एग्जैक्टली पढ़ सकते हो यहाँ पे, टू रिसीव पेमेंट्स एज पर इंडियन रेगुलेशंस प्लीज कंप्लीट योर टास्क। आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंप्लीट योर टास्क पे। यहाँ पे आपको चार टास्क दिए गए हैं। पहला टास्क है प्रोवाइड पैन नंबर, यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपका जो भी एग्जैक्टली पैन नंबर है वही आपको एंटर करके सबमिट करना है। उसके बाद दूसरा टास्क है कंफर्म ईमेल, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी मेल आपने डाला है उस मेल पे एक कंफर्मेशन लिंक आई होगी पेपाल की, उसको आपको वेरीफाई करना है। तीसरा है बैंक अकाउंट, आपको अपना बैंक अकाउंट इसके अंदर लिंक करना है। आप यहां पे देख सकते हो आपको पहले अपना बैंक का नाम डालना है, बैंक अकाउंट में जो भी आपका नाम चल रहा है और वो एग्जैक्टली आपके पैन कार्ड के नाम से मैच करना चाहिए। दूसरा है आपका अकाउंट नंबर, वापस आपका अकाउंट नंबर डालना है नीचे, और NEFT या IFSC कोड डालना है। ये NEFT या IFSC कोड आपके चेकबुक के ऊपर लिखा गया होता है, आपको अपने चेकबुक में देख के ये NEFT IFS कोड इसके अंदर डालना है और फिर इसको कंफर्म करना है। यहाँ पे जो पास में कंफर्म लिखा है वहाँ पे आपको कंफर्म करना है। आपका बैंक अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालना है और इसको कंफर्म करना है, जिससे आपका अकाउंट पेपाल अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। जैसे ही आप करोगे आपको एक मैसेज ब्लिंक होगा कि पेपाल 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में दो छोटी छोटी अमाउंट क्रेडिट करेगा, जैसे 50 पैसा या 20 पैसा, ऐसी कोई छोटी अमाउंट, दो छोटी अमाउंट पेपाल आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा और आपके स्टेटमेंट में देख के आपको वो अमाउंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ये आपका तीसरा टास्क कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और चौथा और आखिरी स्टेप प्रोवाइड पर्पस कोड, चौथा जो टास्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है प्रोवाइड पर्पस कोड। प्रोवाइड पर्पस कोड पे आपको कौन से पर्पस के लिए आपने ये अकाउंट खुलवाया है, आपका एग्जैक्टली बिजनेस क्या है, इसके लिए आपको ये पर्पस कोड देना पड़ता है। आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग या डेटा प्रोसेसिंग कंसल्टिंग, दोनों में से जो भी आप रखना चाहो आप रख के यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, अब ओवरव्यू पे क्लिक करो, आपके पेपाल का एग्जैक्टली स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको सिर्फ क्या करना है, 3 से 4 दिन के अंदर पेपाल जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करे वो यहाँ पे गेट वेरीफाइड, यहाँ लिखा है
वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो दोनों अमाउंट पूछेंगे आपको कि कौन सी अमाउंट पेपाल ने आपके अकाउंट में क्रेडिट की है, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल के उसको वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे जो स्टेटस आपको अभी दिख रहा है ना अनवेरीफाइड, यहाँ पे आपको जो स्टेटस दिख रहा है अनवेरीफाइड, वहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पेपाल का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरा एक पेपाल का अकाउंट है ये, जिसमें आप देख सकते हो कि अकाउंट टाइप बिजनेस है, मेरा बिजनेस अकाउंट है ये। स्टेटस में आप वेरीफाइड देख सकते हो इसके अंदर। देखिए अभी जो मेरी एक वेबसाइट है ओजू मीडिया, उसने कितना पेमेंट कब किया वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 20 तारीख को, 21 तारीख को। और ये पैसा, सारा पैसा इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होके ट्रांसफ़र टू माई बैंक अकाउंट, ये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा विद इन 3 to 4 working days। तो आपको सबसे पहले ये टास्क कंप्लीट करना था, ये पहला स्टेप कंप्लीट करना था, पेपाल के अंदर अकाउंट खुलवाना, जिससे आप जो भी पैसा कमा सको वो सारा पैसा वेबसाइट्स का आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ से सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब ये स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप है आपका, ये जितनी भी वेबसाइट्स है उसके अंदर आपको बारी बारी रजिस्ट्रेशन करना है। पहली वेबसाइट है ओजू, पहली वेबसाइट है ओजू, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जितना भी है सारा फील्ड कंफर्म करना है, मतलब लिखना है यहाँ पे आप पेपाल अकाउंट, जो पेमेंट का पेपाल ईमेल लिखा है वो आपका पेपाल का जो ईमेल है वो वहाँ पे डालना है। आपका पर्सनल डिटेल सारा यहाँ पे डालना है। ये सीक्रेट क्वेश्चन जहाँ पे आप दिख रहे हो ना, सीक्रेट क्वेश्चन, यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, जैसे कि व्हाट वाज माय फर्स्ट कार, फिर नीचे आप आंसर भी आपको खुद को लिखना है, जैसे आपने जेन लियो तो लिखना है जेन, फिर उसके नीचे आपको कैप्चा एंटर करना है, जो इमेज आपको साइड में दिख रही है वही सेम इमेज आपको यहाँ पे टाइप करनी है, फिर जो भी टर्म्स कंडीशन है वो उसको आपको एग्री यस करना है, फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपके ईमेल आईडी पे इसका एक कंफर्मेशन लिंक आएगा, आपको उस कंफर्मेशन लिंक को क्लिक करके आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के अंदर आपको अपना यूज़र नेम जो भी आपने रखा है वो, आपका पासवर्ड और ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपको डालना है। यूज़र नेम पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपना अकाउंट स्टेटस दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी करंट बैलेंस है मेरा 1.86 US डॉलर, इतना पैसा 2 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में इस वेबसाइट से आ चुका है, 10.40 डॉलर्स। आपको करना है ये अर्न वॉचिंग एड्स पे, पेड टू क्लिक एड्स जो दिख रही है वहाँ पे आपको क्लिक करना है।
और यहाँ पे जितनी भी एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, डार्क दिखाई देगी आपको एडवर्टीजमेंट, वहाँ पे आपको क्लिक करना था। एडवर्टीजमेंट 3 सेकंड की, 30 सेकंड की या 60 सेकंड्स की यहाँ पे हो सकती है। अभी मैंने सारी एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी क्लिक कर दी है, इसलिए आपको यहाँ पे डार्क दिखाई नहीं दे रहा है। देखो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्लिक द येल्लो शेप टू व्यू द एडवर्टीजमेंट। यहाँ जो येल्लो शेप जो दिखाई देगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है, और वेबसाइट आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट यहाँ दिखेगी। यहाँ पे आपको टाइमर दिखेगा, टाइमर 0 होने से आपको फिर एडवर्टाइजमेंट को क्लोज कर देना है। ऐसे बारी बारी सारी एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना है। एक वेबसाइट खत्म होने के बाद आप फिर दूसरी वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सेम साइन अप करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम। आपको सारी वेबसाइट्स पे यूज़र नेम, पासवर्ड और आपका ईमेल आईडी सेम रखना है, जिससे आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। अभी मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मुझे सिर्फ साइन इन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह व्यू एड्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐड क्लिक करनी है। क्लिक ऑन द कैट, आपको नीचे जो भी कैट दिख रही है उस पे कैट पे क्लिक करना है। और देखिए ऐसे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। हो गया, फिर इस ऐड को बंद करके वापस दूसरी ऐड को ओपन करना है। वैसे बारी बारी जितनी भी एड्स यहाँ पे दिख रही है वो सारी आपको क्लिक करनी है। मतलब ये जितनी भी आपको अब यहाँ पे वेबसाइट्स दिख रही है, सारी वेबसाइट्स पे आपको रजिस्ट्रेशन करके वैसे आपको ऐड देखनी है। आपको ऐड देखते टाइम सिर्फ ऐड ही देखनी है, उसके अंदर कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है। जैसे डोंकी मेल्स है, अब इसके अंदर आपको कंफ्यूजन ज़्यादा एडवर्टीजमेंट ही है। आपको यहाँ पे ऊपर जहाँ लिखा है ना, क्लिक हियर टू ज्वाइन डोंकी मेल्स, वहाँ पे क्लिक करना है ज्वाइनिंग के लिए। फिर यहाँ से आपको साइन अप करना है, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आप डालो और उसके अंदर फिर आप कंटिन्यू करो। मतलब ये सारी वेबसाइट्स पे आपको बारी बारी रजिस्ट्रेशन करके, आपको डेली लॉगिन्स करके सारी वेबसाइट्स पे आपको ऐड देखनी है। और आप इसको डिटेल में सारी वेबसाइट्स को स्टडी करिए और स्टेप बाय स्टेप काम करिए, तो आप डेली के 50 से 100 डॉलर कमा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को, ये दिखाइए कि घर बैठे बैठे वो कैसा पैसा कमा सकते हैं।